हम लोग मुख्तलिफ नाम रखते हैं, अब्दुल करीम, अब्दुल रहमान, अब्दुल बासित, अब्दुल जबार, जो तमाम अल्लाह ताला के सिफाती नाम हैं। सही। मेरा नाम अब्दुल बासित है, लेकिन लोग मुझे बासित कह के पुकारते हैं, मुझे बहुत बुरा लगता है क्योंकि ये खुदा की सिफत है। जी। मैं ये पूछना चाहूंगा कि क्या वो लोग गुनाह के मुर्तकिब तो नहीं होते मुझे इस तरह कह के? मैं बहुत मना करता हूँ अपने दोस्तों को, लेकिन मेरे बहुत सारे दोस्त मुझे बासित ही कह के पुकारते हैं और मुझे अच्छा नहीं लगता। अल्लाह ताला के नामों पर जो नाम रखे जाते हैं वो ऐसे ही रखे जाएं, अब्दुल करीम, अब्दुल बासित, अब्दुल्ला, ऐसे ही रखे जाएं और पूरा नाम बुलाया जाए, इसलिए कि इसके अंदर बंदे के अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक़ का बड़ा ही खूबसूरत इजहार होता है। वो बस्त रखता है, वो कुशाद रखता है, जैसे अब्दुल बासित है, इसी तरीके से वो रहमत और सरासर रहमत है। तो जब आप कहते हैं अब्दुल रहीम, जब आप कहते हैं अब्दुल करीम, तो ये सही तसव्वुर है। लेकिन इसके बाद अगर फ़र्ज़ कीजिए कि इनको लोग बासित बुलाते हैं, अल बासित कहेंगे, तो ये खुदा का नाम बन जाएगा। अच्छा, ये तो किसी हाल में नहीं कहना जाएगा ना, यानी उसके ऊपर एक दी लगा देते हैं ना अरबी ज़ुबान में, जब आप जैसे अंग्रेज़ी ज़ुबान में आप दी लगा देते हैं, तो बिल्कुल इसी तरीके से अलिफ लाम उस पर बोला जाता है। तो अल्लाह बासित नहीं है महज, अल्लाह अल बासित है। अल्लाह करीम नहीं है महज, अल्लाह अल करीम है। रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी देखिए ना, ये रऊफ़ और रहीम के अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, यानी ये कुरान में इस्तेमाल है, लेकिन अर रऊफ कौन है, अर रहीम कौन कौन है, वो ज़ात खुदाबंदी है। तो इस वजह से अगर कुछ लोग इनको बासित कहते हैं, तो इसमें कोई सूए अदब नहीं है। बेहतर शक्ल वही है कि अब्दुल बासित कहा जाए। बासित जब कहा जाता है, तो वो इनके एक नाम का यूँ समझिए कि अलामती इजहार हो जाता है। और ये चीज़ भी अरबी ज़ुबान के असालीब में है कि बाज़ औक़ात आप एक मुज़ाफ़ हज़्फ़ कर देते हैं, यानी अब्दुल बासित कहने की बजाय आप इशारा कर रहे हैं इस मामले में बासित का लफ्ज़ बोलकर। अल बासित अलबत्ता, यानी कोई गुनाह की बात नहीं है, ये गुनाह की चीज़ नहीं, लेकिन इनका ये एहसास बहुत अच्छा है और बड़ा पाकीज़ा एहसास है कि लोग इनको पूरे नाम के साथ बुलाएं, ताकि इनकी अब्दियत का, खुदा के बंदे होने का जहूर हो इनके नाम के साथ। तो ये एहसास बहुत अच्छा है, ताहम अल बासित नहीं कहा जा सकता।